ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौधारोपण मात्र पौधे रोपने से सफल नहीं होता, ये तभी सफल हो सकता है जब पौधे रोपने के दौरान रोपे गए पौधों का संरक्षण भी किया जा सके। ये तभी संभव हो सकता है जब इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता भी तय की जाए। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने वन परिक्षेत्र स्वरघाट के तहत UPF जंगल सियोता में वन महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। पौधारोपण मात्र पौधे रोपने से सफल नहीं होगा, ये तभी सफल हो सकता है जब पौधारोपण के दौरान रोपे गए पौधों का संरक्षण भी किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता तय की जाए। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने वन परिक्षेत्र स्वरघाट के तहत UPF जंगल सियोता में वन महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकारें वनों को बढ़ाने के लिए चाहे जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन वो इसमें तभी कामयाब हो सकती है जब स्थानीय लोगों को इन कार्यक्रमों में शामिल कर उन्हें जिम्मेवारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में लोग घास के लालच में जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं, जिसके चलते वन क्षेत्र या तो कम हो रहे हैं या फिर उनकी घनत्व कम हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वन है तो हम हैं, वन होंगे तभी हमें जल मिलेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा वनों को आग से बचाने के लिए विभाग की सहायता भी करें। इस अवसर पर वन विभाग से आए DFO बिलासपुर सरोज पटेल ने बताया कि जिला बिलासपुर में पौधारोपण करने के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 109 हेक्टेयर भूमि पर 62,900 विभिन्न प्रकार औषधीय व फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संगठनों की सहभागिता से लगाए जाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रामलाल ठाकुर ने स्थानीय महिला मंडलों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने तथा पौधारोपण करने पर भी सभी महिला मंडलों को 11,000 रुपए देने की घोषणा भी की।